गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी। दिस इज़ एन इनिशिएटिव इन विच वी आर कवरिंग आर्ट एंड कल्चर कम्प्लीटली फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक बुक्स एज वेल एज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अजंता एलोरा एंड अदर्स रॉक कट केव्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये एक बहुत बड़ा रॉक है और इसके अंदर छोटे 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 ये देखिए लगने में ये छोटे लगते हैं लेकिन है बहुत बड़े केव्स फॉर्मेशन हुए इसी को कहते हैं हम रॉक कट केव्स ये तो है अजंता का फोटो ठीक है इसके बाद में हमने दिया है अजंता के ही पेंटिंग्स अजंता का केव नंबर ट्वेंटी सिक्स देन आफ्टर दैट हमने दिया है एलोरा एलोरा में भी कैलाश टेम्पल जो है इट वॉज़ बिल्ट ड्यूरिंग राष्ट्रकुटस कृष्णा वन ही वॉज द बिल्डर और ड्यूरिंग हिज रेन दिस एलोरा वॉज फॉर्म्ड उसके बाद हमने ये एलिफेंटा केव्स का है महेश मूर्ति तो ये फोटोज़ दिए तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग ये अजंता एलोरा एंड अदर केव्स का जो कंपैरिजन है वो हम पढ़ते हैं द फर्स्ट थिंग इज अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स इसमें डिफरेंस पूछ लेंगे मेंस में या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाएगा और आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चंस ठीक है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार कभी कभार इंडिविजुअल केव्स पे आ जाएगा कि एलोरा केव्स के बारे में बताइए या फिर अजंता केव्स के बारे में बताइए सिग्निफिकेंस बताइए उन सब चीज़ों का तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में अजंता केव्स इज ऑफ ट्वेंटी केव्स ठीक है टोटल ट्वेंटी से है लेकिन सारे के सारे बुद्धिस्ट केव्स हैं अजंता में लेकिन एलोरा में ऐसा नहीं है एलोरा में बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल एज वेल एज जैन केव्स है तो तीनों रिलीजन के केव्स हैं जिसमें से ब्राह्मणिकल सबसे ज्यादा है उसके बाद बुद्धिस्ट एंड उसके बाद जैन ठीक है अजंता केव्स इज टू स्टोरी केव्स ठीक है दो फ्लोर्स है उसमें और एलोरा केव्स इज ऑफ थ्री थ्री स्टोरी ठीक है अजंता केव्स में स्कल्चर एंड पेंटिंग भी मिल जाएगा इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ अजंता केव्स पहले आया था एलोरा केव्स के तो हालांकि मैंने ये पोस्ट मौर्या में ही कवर किया है लेकिन पोस्ट मौर्या में सिर्फ अजंता आएगा एलोरा जो है वो गुप्ता पीरियड एंड उसके बाद में आएगा जैसे दैट इज़ राष्ट्र वगैरह उस टाइम पे आएगा ये और अजंता केव्स वॉज फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्राम सेकंड सेंचुरी बी सी टिल फिफ्थ सेंचुरी ए डी एंड एलोरा केव्स जो है वो फिफ्थ सेंचुरी ए डी टू अलैंथ सेंचुरी और टेंथ सेंचुरी ए डी तक ये एलोरा केव्स बनते रहे अब एलोरा केव्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सेविज़म एज़ वेल एज वैश्विज़्मीक है लेकिन इसमें अजंता केव्स में सिर्फ बुद्धिज़्म ही डोमिनेंट है और बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे थीम्स है बोधि सत्वाज वगैरह वो सब मैं ऑलरेडी मैं आपको बताऊँगा आगे ठीक है ये ध्यान में रखना कि दोनों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता एजोरा एलोरा और गोदावरी के कैचमेंट एरिया में आते हैं तो क्वेश्चन अगर आया तो ये ध्यान में रखेंगे आप गोदावरी के कैचमेंट एरिया में आते हैं ये फिर पेट्रंस हम लोग पढ़ते हैं पेट्रंस क्या है कौन थे अजंता के अजंता के पेट्रंस थे वराहदेव ही वॉज अ वकाटा का किंग तो ये ध्यान में रखना कि मौर्यास के बाद में गुप्तास के टाइम पे वकाटा का किंग वेर क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 700 हंड्रेड ईयर्स में बने हैं इसीलिए यहाँ पे वका के आ, प्राइम मिनिस्टर जो थे वराह उपेंद्र गुप्ता ही वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ वका किंग एंड बुद्ध भद्रा एंड मथुरा दास देवेर नॉर्मल पीपल तो इन लोगों के पैसे यहाँ पे इन्वेस्टेड थे ठीक है और जो एलोरा केव्स थे वो तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने किया है जैसे वैष्णविज्म बुद्धिज़्म जैन एंड ब्राह्मणिकल तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इन दोनों के अब हम लोग स्पेसिफिकली अजंता केव्स के बारे में पढ़ते हैं पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अबव फोटो ये जो है पेंटिंग्स ये ध्यान रखिएगा आप पेंटिंग्स दो मिनट आप देख लीजिए इसे ठीक है अब ये जो पेंटिंग्स है दे आर द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बी सी टू फर्स्ट सेंचुरी ए डी थीम्स कौन से कौन से थे इसमें लाइफ ऑफ बुद्धा जतकाश एंड अवदान अवदान मतलब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम होता है अवदान ठीक है केव नंबर वन इज़ द मोस्ट फेमस केव ऑफ अजंता जिसमें पद्म पानी एंड वज्रपानी बोध आर द बोधि सत्वास तो इन लोगों के जो म्यूरल्स uh, हैं या फिर पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे फेमस है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जाने जाते हैं वॉट आर द फेजेस ऑफ अजंता पेंटिंग्स तो अजंता पेंटिंग्स व डेवलप्ड इन फोर फेजेस और थ्री सॉरी फोर्थ नहीं थ्री फेजिस फर्स्ट इज इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म दैट इज नेचुरल कलर सिंपल होते थे नो ओवर स्टाइलाइजेशन वेरिएशन होते थे कुछ कुछ इसमें लाइन्स वेयर क्लियरली डिफाइंड एंड बॉडी कलर वॉज मर्स्ड विद आउटर लाइन तो ये आप ध्यान रखेंगे देन इमेजेस ऑफ बुद्धा वेर ऑन द वॉल्स एंड पिलर्स तो बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस था तो ऑब्वियसली इमेजेस ऑफ बुद्धा वेर बी देयर एंड महायानिज्म तब तक आ चुका था इसलिए इमेजेस ऑफ बुद्धा वॉज ऑल्सो देयर ठीक है नाउ स्किन कलर्स वेर ऑल्सो यूज्ड दैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ वेंगी एंड विदर्भ कल्चरल ट्रेडिशन वेंगी मतलब अमरावती एंड विदर्भ मतलब ईस्टर्न महाराष्ट्र तो ये एरिया जो है इनका स्कल्चरल ट्रेडिशन वॉज प्रेजेंट इन अजंता केव्स उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले जो है सातवानाज ने इन्हें ये किया था दैट इज पेट्रनेज दिया था इनको इट मीन्स दैट फर्स्ट सेंचुरी टू फर्स्ट सेंचुरी एडी सातवाहनाज वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अजंता के सातवानाह के टाइम फॉर्म हुआ था उसके बाद में ये वकटाकाज के टाइम आया दैट इज़ फोर्थ टू सेवन सेंचुरी ए डी ये तो हुआ अजंता केव्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं एलोरा केव्स तो ये ध्यान में रखना एलोरा केव्स तीन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैलाश टेम्पल पे कैलाश टेम्पल जैसा कि आप लोग ये फोटो देख सकते हैं इट इज सच ए मार्वलस टेम्पल यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये पूरा दिस वॉज द होल रॉक एक मोनोलिथिक रॉक था और उसी को ये लोग क्या किए कि ऊपर से नीचे तक कार्व करते गए ठीक है और ऐसा एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ये इन्होंने बनाया ठीक है तो ये ध्यान में रखेंगे इट इज अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल एज इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉकट केव और रॉकट टेम्पल तो ये टेम्पल ही था डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है ना तो इट वॉज द जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कृष्णा वन के टाइम पे ये फॉर्म हुआ था कृष्णा वन वाज़ अ राष्ट्रकूटा किंग एंड राष्ट्रकूटा के बाद में यादवाज वेर आल्सो फॉर्म्ड एंड यादवाज के टाइम पे जैन केव्स वेर फॉर्म्ड ठीक है अब केव नंबर टेन जो है दैट इज़ अ विश्वकर्मा केव जिसमें फिफ्टीन फुट बुद्धा इज प्रेजेंट तो केव नंबर टेन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे आप दंती दुर्गा हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी उनके नाम पर भी इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे है ना वज्रयान बुद्धिज्म का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वज्रयान मतलब तांत्रिकिज्म जो होता है बुद्धिज्म में वो इन्वॉल्व हुआ था यहाँ पे इसी में बहुत सारे दैट इज बोधि के भी इमेजेस हमें दिखते हैं दैट इज तारा uh, अवलोकितेश्वर मैत्रेय एंड अमिताभ तो ये ध्यान में रखेंगे आप बुद्ध बोधिसतवास के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा या फिर बुद्धिज्म में कवर्ड होगा वो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी बोनस कल्चर्स दिया है बोन, बोनस लेक्चर्स दिया ऑफ कल्चर उसमें आपको बुद्धिज़्म में मिल जाएगा लाइम प्लास्टर पेंटिंग ध्यान में रखेंगे आप ठीक है एलोरा में जो पेंटिंग होते थे ऑन वॉल्स एंड रिलीफ फीचर्स वो लाइम प्लास्टर से बनते थे और इसमें थीम्स कौन से कौन से थे रावणा शेकिंग माउंट कैलाश दशावतार गॉडेस गंगा एंड जो एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है उसमें महाराधा महाभारत एंड रामायण के रिलीफ पैनल्स मिले हैं तो यहाँ उस टाइम पे प्रेजेंट थे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी आर्ट्स तो ये ध्यान में रखेंगे कि एलोरा में जो आर्टिस्ट्स आए थे या फिर जो स्कल्पचर्स आए थे दैट व प्रेजेंट ऑफ विदर्भ कर्नाटका एज वेल एज़ तमिलनाडु तो इसीलिए इसे कहते हैं स्टाइलिस्टिक एक्लेक्टिसिज्म मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी आर्ट्स अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अदर केव्स दैट इज बाघ केव्स एमपी एलिफंटा केव्स मुंबई एलिफंटा केव्स में इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज ऑफ टू रिलीजन और टू फेथस पहले बुद्धिस्ट माना जाता था ये उसके बाद में ये सैवाइट बना अब सेवाइट बना इट वॉज ड्यूरिंग एलोरा ओनली ठीक है सॉरी गुप्ताज एंड राष्ट्र इस टाइम पे बने थे इट वॉज कंटेम्परे टू एलोरा लेकिन सेवाइट जो ट्रेडिशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये महेश मूर्ति जैसा कि आप देख सकते हैं महेश मूर्ति अगर कोई मुंबई से होगा तो वो उनको पता होगा या कोई एलिफेंटा केव्स घूम के, के आया होगा तो उनको पता होगा महेश मूर्ति इज़ अ वेरी लार्ज स्ट्रक्चर और इसमें बीच में जो है दैट इज शिवा एंड राइट में जो है दैट इज़ उमा एंड लेफ्ट में इज़ भैरव भैरव इज़ द एंग्री वर्जन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड उमा इज़ द कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर ऑफ एलोरा केव्स ये सब सारे रॉक कट केव्स देख सकते हो जैसे आप इसमें ये रॉक है इसी रॉक को कट करके उन्होंने ये मूर्तियां बनाई है इसे कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर फिर महेश मूर्ति तो हो गया अब कर्नाटका में भी ये रॉक कट आर्किटेक्चर फेमस था इन बदामी एंड एलहोल चालुक्यास के टाइम पे ठीक है जैसे ही राष्ट्रकूटास खत्म हुए वैसे ही चालुक्यास शुरू हुए महाबलीपुरम पल्लवाज डॉ चालुक्यास के बाद पल्लवाज आए तो महाबलीपुरम रथास ऑफ महाबलीपुरम जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए इस साल के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे तो ये पार्ट हो गया रॉकट केव्स का इसमें और भी रॉकट केव्स में बचता है दैट इज़ बुद्धिस्ट एंड जैन केव्स में क्या डिफरेंस था वेस्टर्न केव्स एंड ईस्टर्न केव्स में क्या डिफरेंस था वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे इनफ नंबर ऑफ़ कमेंट्स आप दोगे अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं वो वीडियो बना दूंगा अगर नहीं आपको चाहिए तो फिर इसी तक हमारा पोस्ट मौर्य पीरियड ख़त्म होता है पोस्ट मौर्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो थैंक यू गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर कीजिए आप जितने भी नीडिया एस्पिरेंट्स हैं उनको और बहुत सारे इसे फॉरवर्ड कीजिए बहुत सारी जगह थैंक यू जय हिंद